पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में कल हुए मतदान सभी जगह शांतिपूर्ण रहे। देर शाम रिजल्ट भी मिले तो वहीं कहीं भी अप्रिय घटना के समाचार नहीं है। पुगल पंचायत समिति की थारू सर ग्राम पंचायत में इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से कुछ ही देर बाद यहां पे उप सरपंच का चुनाव होगा। यहां पर सरपंच भी मौजूद हैं जो 1995 के अंदर यहां से निर्विरोध सरपंच चुने गए थे, जो उस समय पहली बार थारूसर ग्राम पंचायत बनी थी। 2010 में भी इनके परिवार का सदस्य निर्वाचित हुआ था, तीसरी बार 2020 के अंदर ये निर्वाचित हुए हैं। इस गांव की अनेक समस्याएं हैं जिससे पहले भी हमने इसे रूबरू करवाया था। आज हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, इस गांव की बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं, किस तरीके से आप उसको जनता के सामने और अन्य प्रतिनिधियों के पास जाकर इसका समाधान करवाएंगे? जनता के साथ जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, और जो भी जनता की मांग होगी उसके साथ उन जनता के साथ 24 घंटे उनके साथ चलेंगे। और जो काम है, खाड़ा है, नाली है, जो भी शिक्षा है, हॉस्पिटल है, उसके लिए, इस गांव के लिए हम पूरा काम करने के लिए, जो सड़कें हैं इसकी पूरी कोशिश करके ये काम हमारे तमन्ना है। और भ्रष्टाचार को दूर, मुझे ये नहीं मालूम करना है कि भाई मैं सरपंच बनकर लोगों को लूटूँ अपना वो काम, उस काम से हम दूरी बनाए रखनी है। जो भी इस काम का भ्रष्टाचार हो उसका कभी साथी नहीं बनेगा। टुडे 24 में पहले भी आपका चुनाव से पहले भी इंटरव्यू हुआ था, उसमें स्पष्ट आपने कहा था नरेगा के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, शिक्षा के नाम पर यहाँ पे स्कूल विद्यालय कर्मोन्नत नहीं हो रहे हैं, आवासीय पट्टे की एक बड़ी समस्या है, कृषि क्षेत्र के अंदर बात करें तो प्रीमियम राशि काट ली जाती है, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। किसान और इस क्षेत्र के मतदाता आपसे बहुत उम्मीद करें कि कब तक इनका समाधान हो जाएगा, बड़ी समस्या। हम इसमें जैसे अब मीटिंग चालू होगी उसके बाद में इसी काम के पीछे लगेंगे, इनका जो सुविधा है जितनी कोशिश होगी रात दिन इसी काम में यही काम करेंगे। इसके बिल्कुल इनका कहना है कि जिस तरीके से इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको जल्द ही समाधान करवाया जाएगा। सरपंच बनने के साथ साथ इस क्षेत्र के विकास कार्य भी होंगे। वहीं इस चैनल के माध्यम से पहले भी ग्रामीणों की ये शिकायत थी कि यहाँ दूर दराज की ग्राम पंचायत होने के कारण विकास कार्य नहीं हो पाते हैं, ऐसे में सरपंच बनने के बाद इस क्षेत्र के विकास कार्य के नए आयाम भी स्थापित होंगे। टुडे 24, सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।